हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपको साइड लूप डोरी डिज़ाइन बनाना सिखाएंगे जो कि कुर्तीज़ में बनाए जाते हैं। तो ये आप किसी भी कुर्ती को नया लुक देने के लिए बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड लूप डोरी डिज़ाइन बनाना सिखाएंगे। सबसे पहले हम लूप बनाएंगे, जो हम साइड में लूप लगाते हैं। लूप के लिए हमें 2 इंच चौड़ी पट्टी लेनी होगी। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है, उसे डबल फोल्ड किया है। 1/2 इंच के गैप पे हम सिलाई लगाएंगे। अब एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। अब इसे हम सुई धागे की मदद से सीधा कर लेंगे, जैसे कि हम डोरी को बनाते हैं। डोरी को हम सीधा करते हैं, सेम उसी तरीके से आपको ये सीधा कर लेना है। उसके बाद 2-2 इंच की हमें पट्टियों को कट करना है। आप देख सकते हैं मैंने 2 इंच की लंबाई ली है पट्टी की। आप इसकी लेंथ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सभी पट्टियों को आपको एक बराबर कट कर लेना है 2 इंच की। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुर्ती की फुल स्टिचिंग कर ली है, उसके बाद ये डिज़ाइन बना रहे हैं। तो सबसे पहले आपको इस पे निशान लगाने होंगे कुर्ती की साइड के चाक पे। यहाँ पर आपको स्टिचिंग में कोई चेंजेस नहीं करना है कुर्ती की स्टिचिंग में। यहाँ से इंच टेप को रखना है, 1-1 इंच का गैप देते हुए आपको निशान लगाना है। तो मैं यहाँ पर 4 निशान लगाने वाली हूँ, क्योंकि मैं एक साइड पे 4 लूप लगाने वाली हूँ। तो जितने भी आपको लगाने हैं उतना निशान लगा लेना है आपको 1-1 इंच के गैप पर। सेम इसी निशान से हम दूसरी ओर भी बना लेंगे। इस तरह से दोनों साइड हमें एक बराबर दूरी पर लगाने हैं। इस तरह से आपको पकड़ते हुए निशान लगा लेने हैं। अब यहाँ पर हम लूप लगाएंगे। डबल फोल्ड करना है आपको लूप को, और इस तरह से नीचे की ओर रखेंगे। 1/2 इंच आपको बाहर की ओर निकालते हुए रखना है। सिलाई हम सीधी साइड से लगाएंगे। इस तरह से लूप को 1/2 इंच बाहर की ओर निकालते हुए रखना है, और जो हमने निशान लगाए हैं उसी के नीचे रखते जाने हैं लूप, और ऊपर से आपको स्टिचिंग कर देनी है। डबल फोल्ड करते हुए आपको रखना है, बाहर की ओर रखना है 1/2 इंच, बाहर की ओर लूप को निकालते हुए रखना है 1/2 इंच। जो हमने निशान लगाए हैं उसी निशान के नीचे हमें रखते जाना है। अगर आप इस तरह का डिज़ाइन बना रहे हैं तो जो चाक की लंबाई है वो नॉर्मली हम 21 इंच पे लेते हैं, लेकिन आपको 20 इंच पे लेना है। बस यही चेंजेस करना है और कोई चेंजेस नहीं करना है। हमेशा चाक थोड़े से ऊपर रखने होते हैं इस तरह के डिज़ाइन बनाने में। अब यहाँ कॉर्नर पर हम ये डोरी लगाएंगे, जो कि डोरी हमें नॉर्मली पतली सी बना लेनी है। इसकी वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, वहाँ से आप डोरी बनाने की वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरह की पतली डोरी बना लेनी है। इसके हम 2 पीसेस करेंगे, जो कि एक बराबर करेंगे। डोरी की लंबाई मैंने 12 से 13 इंच तक रखी है। डोरी को हम एक कॉर्नर पर रखेंगे नीचे की ओर, और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। दोनों डोरी को हमें क्रॉस वाइज रखना है कॉर्नर पे। आपको ध्यान से देखना है यहाँ पे। अब इस साइड पे भी हम लूप लगाएंगे नॉर्मली, जो हम निशान के नीचे रखते जाएंगे। दोनों साइड हमारे जो लूप रहेंगे वो एक बराबर गैप पे रहेंगे। हाफ इंच आपको बाहर की ओर निकालते हुए रखना है। अब इसे हम पिन की सहायता से लूप के अंदर डालेंगे डोरी को। इस तरह से आपको अटैच करनी है ये डोरी। पिन की सहायता से हम क्रॉस वाइज डालेंगे डोरी को। ये आपको क्रॉस वाइज डालने हैं।
इस तरफ हम लूप में ऐसे डोरी को डालेंगे, दूसरी ओर हम एक लूप को छोड़ते हुए डालेंगे डोरी को, इस साइड हम दूसरे नंबर के लूप में डालेंगे, एक लूप आपको छोड़ते हुए डालना है। इसी तरह हम दूसरी डोरी को भी जो बचे हुए लूप है उनमें डाल देना है। इस तरह से डिज़ाइन बनके कंप्लीट हुआ है। अब इसमें हम नीचे की ओर लटकन लगा लेंगे जो ये डोरी है उसमें। तो यहाँ पर मैंने लटकन लगा लिया है, आप देख सकते हैं कुर्ती को नया, किसी भी पुरानी कुर्ती में भी आप बना सकते हैं कुर्ती को नया लुक देने के लिए साइड लूप डोरी डिज़ाइन बना सकते हैं। कुर्ती की कटिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इस तरह का बोट नेक डिज़ाइन भी बनाना चाहते हैं तो इसका भी मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।